हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल टेक इंडिया में। मेरा नाम वैश्य, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपको बता दूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए हर रोज मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ नए नए टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीपीएन की एप्लीकेशन लेके आया हूँ। वीपीएन की एप्लीकेशन से आप अच्छे खासे एडमॉब की अर्निंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एक वीपीएन की वीडियो पहले भी डाल रखी थी, आप देख सकते हैं। और आज मैंने एक और अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो एप्लीकेशन की वीडियो डाल दी है अपने चैनल पे, आप वहां से देख लीजिएगा। और हमारे और उसका ऐप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो की एप्लीकेशन है ये पूरा आपको बताऊंगा कि आपको कस्टमाइज कैसे करना है और अपनी एड्स वगैरह कैसे लगानी है। और आपको ऐप का एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ऐप कैसी है और उसके अंदर अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए जैसे हम अपने फ़ोन के स्क्रीन में आ चुके हैं और मैं आपको ऐप दिखाता हूँ। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ऐप है, ये ऐप है। ऐप को मैं ओपन करता हूँ और ये ऐप हमारी लोडिंग हो रही है। और देखिए यहाँ नीचे मैंने नाम लिखा है, यहाँ आपको सब सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पे नेम rewardpoint.com, ये मेरी वेबसाइट है। इसे यहाँ पे इसे कैसे चेंज करना है, और अगर आप चाहो तो आप इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप कलरिंग वगैरह का चेंजेस कर दीजिएगा और आपको मैं बता दूंगा आप इससे। और फ्रेंड्स, इसमें यह कि मैंने हर एक जगह पे एड्स लगी हुई है, एड्स इंप्लीमेंट है। आप एड की एड से अच्छे खासे पैसे इससे कमा सकते हैं। तो एक्चुअली ये मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है और मेरे वाईफाई का नेटवर्क इतना सही नहीं आ रहा, जिससे थोड़ा स्लो काम कर रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हमारा लोड हो चुका है। और ये जो ऊपर है, ये ऊपर का फंक्शन है, यहाँ से जो गोल सा दिख रहा है, तो यहाँ पर से आप अपना टेस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। और साइड में होम, स्पीड टेस्ट, शेयर ऐप अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये हर एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद ये हमारा कंट्रीज़ है, आप यहाँ से कोई भी चाहे तो कंट्री चूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सर्वर, अलग अलग सर्वर्स यहाँ पे आ जाएंगे। और जैसे आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हम कनाडा सेलेक्ट करते हैं तो कनाडा के अंदर ये है। उसके बाद नीचे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में सर्वर्स दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो के एप्लीकेशन से अपने एडमॉब से बहुत सारे रनिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुआ है हमारा। और आप चाहे तो यहाँ से अपना स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा जब आपका वीपीएन कनेक्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ से क्विक कनेक्ट भी कर सकते हैं। क्विक कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, या इसे मैं अभी डिसकनेक्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, सारा कुछ यहाँ पे हो गया। और चलिए अब हम चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, जहाँ पे आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है और कहाँ पे आपको अपनी एड्स लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं, अपने डेस्कटॉप में आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फ्रेंड्स अपने एप्लीकेशन का जो आपका पैकेज नेम है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो पैकेज नेम चेंज करने के लिए ऐप में आइए, ऐप में आके जावा में, जनरेटेड जावा में, और ये जो मैंने लिखा हुआ है अब यहाँ पे मेरे नाम माई और नेम लिखा है, तो आप इस पे माई पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रिफ्रैक्टर पे जाइए और रीनेम कर दीजिए। इसे रीनेम कर दीजिए, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए जो आपको लिखना होगा, जो भी आपको पैकेज नेम देना होगा। उसके बाद इसे रिफ्रैक्टर करिए पूरा, दोनों क्लिक करके, और इसे डू रिफ्रैक्टर कर दीजिए। तो जो भी आप अपना नाम रखना चाहेंगे वो नेम चेंज हो जाएगा। और यहाँ नेम पे ये इसे भी चेंज कर दीजिए, इसे भी चेंज कर दीजिए, यहाँ पर भी आप कुछ भी नाम रख लीजिए। और जैसे मैं अभी आपके सामने कुछ भी लिख दे रहा हूँ, आप कुछ भी सही से नाम लिख दीजिएगा और यहाँ से डू रिफ्रैक्टर कर दीजिए। डू रिफ्रैक्टर करने के बाद आपको और क्या करना है, आपको अपनी एड्स की एडमो के एड्स लगानी है। तो यहाँ रिसोर्स फाइल में यहाँ पे आइए, वैल्यूज में आके स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में आने के बाद यहाँ पे जब आप स्ट्रिंग में सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारा ये है वीपीएन का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखे। उसके बाद ये अल्टीमेट वीपीएन हमारा इसका पूरा नेम है। और यहाँ पे आप यहाँ से ये जो है इस जगह पे आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे rewardpoint.com लिखा हुआ है। और उसके बाद ये हमारा है इंटरटिशियल ऐड का है, ये इंटरटिशियल ऐड का सेक्शन है, आप इंटरटिशियल एड्स लगा लीजिए यहाँ पे। अपनी अपना इंटरटिशियल ऐड का ऐड यूनिट यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद बैनर कोड यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, और एडमोब ऐप आईडी का जो ऐप का को ऐड होगा यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा।
बस आपको और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सही है और आपको यहाँ पे और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप नीचे आइए ग्रेडल में, ग्रेडल में आके यहाँ पे बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल पे आइए, और अगर आपको यहाँ वर्जन कोड वगैरह चेंज करना होगा तो कर लीजिएगा, बाकी और आपको यहाँ पे और कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो इसे एक बार सिंक करके फिर यहाँ पे बिल्ड में जाके जनरेटेड साइन बंडल एपीके बना लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप इस साइन बंडल एपीके बनाएंगे या जब से आपको ऐप को करेंगे तब आपका ये तो होना चाहिए, देखते हैं ऐप का इंटरनेट ऑन होना चाहिए। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आप भूल के आपको बताना, आपको इसमें आपका क्या कहते हैं फायरबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। फायरबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको वहाँ पे अपने ऐप को डालना पड़ेगा, वहाँ पर नेम डालना पड़ेगा। और इसके लिए आप यहाँ पे एंड्रॉयड पे आइए, और एंड्रॉयड पे आइए यहाँ सबसे पहले तो आपको आना है पैकेजेस पे, पैकेजेस हाँ ये प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट पे यहाँ आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है गूगल सर्विस जेसन, तो आपको गूगल सर्विस जेसन फाइल बनानी पड़ेगी। ये आप फाइल कैसे बनती है मैंने आपको आप इससे पहले वाली जो वीपीएन की ऐप मैंने बताई थी उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है, एक एक स्टेप करके दिखाया है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। मैंने उसमें पूरा स्टेप बताया कि यहाँ की जेसन फाइल को कैसे बनाते हैं और कैसे इसमें पेस्ट करते हैं, तो आप वो वीडियो वहां से उतना पोर्शन वहां से आप देख लीजिएगा। बस कुछ करना नहीं होता फ्रेंड्स, बस ऐप अपना जो गूगल का फायरबेस होता है, फायरबेस को लॉग इन करना है और अपने ऐप का जो कोड नेम है, जो आपका पैकेज नेम है, वहाँ पैकेज नेम देना है, और वहां से ये आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है और इसे लाके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेक्शन इतना, तो यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया कि आपको एप्लीकेशन को कैसे एडिट करना है, आपको एप्लीकेशन का ओवरव्यू दे चुका हूँ मैं। तो फ्रेंड्स चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे और एप्लीकेशन की वीडियोस लेके आता रहूंगा। और हमारे चैनल पे सीरीज स्टार्ट होने वाली है वेबसाइट डेवलपमेंट को लेके, ब्लॉगर की वेबसाइट्स को कैसे बनानी है इस चीज़ के ऊपर लेके, और मैंने इसके ऊपर एक दो वीडियोस डाल भी दिया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और मैंने इसके पूरा का पूरा एक वीडियो डाला है जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब की वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ से पूरी वीडियो देख लीजिएगा और आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स चलिए, तो फ्रेंड जैसे मैंने आपने आपने देखा कि अभी मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन का ओवरव्यू दे दिया और एंड्रॉइड स्टूडियो में कहाँ से चीज़ें कैसे चेंज करनी है पूरा कुछ बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पे कमेंट करिए, या फिर फेसबुक पे हमें मैसेज करिए, टेक इंडिया के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, या फेसबुक पेज को हमारा लाइक करिए, और हमारे ट्विटर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा फेस टेक इंडिया डॉट इन के हमारे नाम से हमारा ये है पेज है, आप यहाँ पे हम मुझे मैसेज करिए और मैं आपको जरूर इसका जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।